बागानी तकनीक की खेती से हो रही है लाखों की आवक। पाली राजस्थान, पाली जिले की तहसील रानी की ग्राम पंचायत जीवन कला ढाणी में एक किसान ने खेती का अनोखा फॉर्मूला ढूंढ निकाला है, जिसके कारण प्रति वर्ष लाखों का मुनाफा मिल रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जीवन कला ढाणी के नदी किनारे बसे बेरा कल्याण सिंह जी का, जहाँ किसान नारायण सिंह राजपुरोहित ने अपने बेरे पर तकनीकी कृषि के जरिए नींबू प्लांट लगाकर लाखों की कमाई की जा रही है। आपको बता दें कि ये किसान कृषि के अलावा ट्रेवल्स का भी बिजनेस करता है। 1967 में जन्मे नारायण सिंह राजपुरोहित ने पढ़ाई के साथ बिजनेस में भी काफी काम किया है। काफी संघर्ष के बाद उन्होंने अपनी ट्रेवल्स एजेंसी का काम शुरू किया, जो इसके जगदम्बा नाम ट्रेवल्स की बसें जीवन कला से बाली के नाम से चलती हैं। लेकिन इसमें भी कुछ खास सफलता नहीं मिलने से के बाद उन्होंने 2012 से 2013 में हॉर्टिकल्चर विभाग से सोलर प्लांट लगवाए, जिसमें 86% सब्सिडी मिली। साथ ही पानी का बड़ा टैंक बनवाया, इसके लिए सरकार से 58,000 रुपए मिले। इसके बाद 300 पौधे नींबू के लगवाए, साथ ही पानी का बूंद बूंद कृषि प्लांट लगवाया, जिससे सरकार सब्सिडी भी दी। बाद में 3 ट्यूबवेल लग करवाए, जिसमें एक बोरवेल सोलर प्लांट चल रहा है। आज कड़ी लगन व मेहनत से ये बड़ा प्लांट बनकर नींबू का तैयार हो गया है, जिसमें प्रति वर्ष 3 से 4 लाख की कमाई हो रही है। इसके अलावा 10 पौधे सागवान के, 10 पौधे अनार, 10 पौधे बेर, 10 पौधे नींबू एंड चंदन एंड चिक्कू सीताफल अमरूद के भी 10-10 पौधे लगवाए गए हैं। बताइए, आप कितने साल से ये खेती कर रहे हो और कितना खर्चा आता है इसमें? मैंने 2012 में हॉर्टिकल्चर विभाग से मैंने एक गोद बढ़वाया और एक सोलर प्लांट लगवाया, जो कि 86% सब्सिडी में सोलर प्लांट लगाया था। गोद बनाया वो 20x30 और हाइट 8 फीट, करीबन 1600 स्क्वायर फीट मैंने गोद बनवाया और 58,000 में सब्सिडी मिली उस पर। फिर मैंने 300 पौधे नींबू के लगाए 7 बीघा में और उसमें ड्रिप सिस्टम लगवाया और ड्रिप से मैंने नींबू की पौधे पिलाने शुरू किए। बोलो। मैंने उस नींबू में ही 10 पौधे अनार के लगाए, 10 पौधे संतरा के लगाए, 10 पौधे बोर सेब बोर के लगाए, 10 पौधे सीताफल, 10 पौधे किन्नू, 10 पौधे चंदन के और 100 पेड़ मैंने सागवान के किनार किनार में, रोड के किनार किनार में लगवाए। 2017-18 में मैंने लगाए थे और उसके बाद में मैंने 2-3 साल के बाद में नींबू के पौधे बड़े हो गए, उसमें पानी की जरूरत ज़्यादा थी इसलिए मैंने ड्रिप बंद करके फिर अंडरग्राउंड पाइपलाइन लगवाई और अब वॉल सिस्टम से वो नींबू के पौधे पानी पीते हैं। बड़े बड़े 5-5 फुट की क्यारियाँ बना के वो मैं भरता हूँ। उस नींबू के कितने तो के लगभग हैं मेरे नींबू के पौधे और उसमें साल का जो ठेका होता है 12 महीनों का, करीबन 3.5-4 लाख का होता है। हाँ, मतलब 50-60 हजार भी खर्च आ जाते हैं, खुदाई के वगैरह के, खाद के और दूसरे। फिर कमाई 10 पौधे अनार के हैं, संतरा के हैं, 10 पौधे 10 तब क्या टोटल जो पूरा प्लान लगाया है उसमें। अच्छा, तो देखो, मेरे को सब्सिडी मिली है गवर्नमेंट से। हाँ, गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली है, नींबू भी मेरे फ्री में ही लगे, समझ लो गवर्नमेंट की सब्सिडी मिली। सोलर प्लांट था वो 86% 86% और ओद बनवाया मैंने 1,40,000 में, उसमें 58,000 गवर्नमेंट ने दिए। तो ये आपको स्कीम
हाँ तो क्या इस रायडा और सरसों में और गेहूं में कमाई होती नहीं है? आजकल खर्चा आता है ज्यादा और ये फसल बहुत कम भाव में बिकती है और मजदूरी भी ज्यादा लगती है, लेबर ज्यादा लगती है, इसलिए मैंने तकनीक खेती करनी स्टार्ट की। ये तो बागवानी, बागवानी खेती कहते हैं इसको, हाँ बगीचा कहते हैं इसको। हाँ मन में है, लेकिन अब देखो विचार कर रहा हूँ, मैं ग्रीन हाउस लगाना चाहता हूँ, देखता हूँ गवर्नमेंट से बात करता हूँ और